इसलिए वो हरियाणा वालों को अच्छी तरह जानते हैं। अब इन्होंने इतनी अच्छी कविता पिता पे सुनाई, इनके पिता ऐसे हैं तो लिख दी। हमें पता ना कि हमारा बाप कैसा है। हरियाणा में तो बाप बेटे की संबंध भी हास्यरस में है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लू। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगे बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। आलोक भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया गजलें पढ़ी, तरबूज के माध्यम से क्या चिंतन परक कविता सुनाई, विनय विश्वास जी ने बहुत चिंतन परक कविताएं सुनाई। अब मेरे से आप ऐसी उम्मीद न रखें। हरियाणा का आदमी को ज्ञान ध्यान की बात कर नहीं सकता। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिर है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? वो आजकल हरेक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था, बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। सिखा लो इन्हें योग। दरअसल ये आजकल के बच्चे साहब टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे। तुमसे बहस कर ही नहीं सकता। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है। हरियाणा में ये वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी आप हरियाणा में काम कर रहे हो जी, हाँ ये वृद्धाश्रम की समस्या नहीं है। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया। बोले जमा कर लो इसने मेरा ना आई हो।
हमारी संस्कृति थोड़ी सी अलग है। दरअसल क्या हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्यरस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत की जरूरत है। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं? इतनी फुर्सत जरूरी है? और जहां तक प्रेम की बात है तो हरियाणा में तो हम तो प्रेम भी लिख नहीं सकते, आगे तो कोई भी नहीं लिख सकेगा जी। सौंदर्य वर्णन अब आपको सुनने को नहीं मिलेगा। पहले बड़ा नक्षिक वर्णन करते थे कवि, अब करके दिखाएं घूरने के आरोप में बंद हो जाएंगे। अब ये काम खत्म हो गया। आपसे श्रृंगार रस तो बहुत ही मुश्किल में आ गया। अब तो कवित्री अब पुरुषों के सौंदर्य पे लिखेंगे, ये इनको घूरने का अधिकार है। अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। अच्छा हरियाणा में तो प्यार भी जो है वो ब्याह के बाद ही होता है। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। तो हमारे हरियाणा में तो प्रेम बड़ा मुश्किल है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला, ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? लड़के ने एक लड़की से कह दिया, आई लव यू। लड़की ने मारा खेत के थप्पड़, बोले फिर से कहिए। बोले जब सुनाई नहीं था तो मारा क्यों? हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी, अलग तरह का मामला। वो कन्या नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, बोले लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला जो ला सकता वही पूछ रहा है। मैं उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में, तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। मेरे एक दोस्त हैं प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की एक उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी, बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। हमारा प्रेम भी बिल्कुल अलग तरह का है। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले यार शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ जाते हुए उसे किसी खाई में धक्का दे दूँ। तो दोस्त बोला, यार मेरी वाली भी ले जा। बोले ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं माने तो उसे वापसी में धक्का दे दूँ। ये प्रेम मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों तक का हमारे यहाँ ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली। हाँ दुनिया तोता पालते हो, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दू ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक है, तो खुद देख ले आके। अच्छा सुन, देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा हूँ, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते दूसरे को कोहनी मारी, अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी क्या निकलेगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कितने धार्मिक है हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है।